देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 108 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद अवैध कब्जे से संबंधित प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त मनरेगा, विद्युत पोल शिफ्टिंग, आपसी विवाद, धमकी और सड़क, विद्युत कनेक्शन, नाली आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों का त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त हो रही शिकायतों को भी संज्ञान में लेते हुए निस्तारण करें। साथ ही शिकायतकर्ता से भी दूरभाष पर वार्ता करते हुए अवगत करा दिया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ निस्तारण उनका हो रहा होगा, इसीलिए काफी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। लेकिन जो मेन इश्यूज जो आते हैं अभी तक, जितने भी मैंने जनता दरबार लिए, उनमें मेनली लैंड फ्रॉड्स के आते हैं, अतिक्रमण के आते हैं और अवैध निर्माण के आते हैं, जिन पे हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तत्काल, और कुछ डिस्प्यूटेड होते हैं जिसमें समय लगता है।